तो नमस्ते एवरीवन. तो हाय, वेलकम टू द व्लॉग. एंड आई डोंट नो दिस इज व्लॉग नंबर व्हाट, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये व्लॉग हो रहा है. एंड मैं अभी पूजा घर में हूँ, भगवान के पास हूँ. भगवान से आज व्लॉग शुरू करते हैं. एंड आज है 27 अक्टूबर फ्राइडे. सो आर यू रेडी फॉर दिस व्लॉग? लेट्स गो. तो एक्चुअली अभी हमारा पूजा खत्म हुआ है. एंड आज मैं क्या है ना, शैम्पू कर दी हूँ. एंड ऊपर से मेरी नानी ने मेरा ऊपर से और हेयर कट कर दिया है और शैम्पू भी कर दिए हैं. तो सब बोल रहे हैं कि हेयर रखो, बाल रखो, सब बोल रहे हैं. बट मुझे तो कोई रखने ही नहीं दे रहा इधर. बट व्हाट टू डू, सब बोल रहे बड़े हो जा रखेगी, कब बूढ़ी हो जाऊंगी तब रखूंगी बाल. So anyway, let's continue the vlog with this chomu hair. And मुझे घर में कोई ऐसा स्पेस भी नहीं मिल रहा है जहाँ मैं अच्छे से ब्लॉग कर सकूँ. ये एक लोता जहाँ भगवान के पास मुझे थोड़ा सा स्पेस मिला है ब्लॉग करने को. एंड एनी वे, मैं दो दिन से नानी के घर में हूँ. सो यस, आज नानी के साथ ब्लॉग बनेगी. एंड आज मैं आपको अभी और एक चीज दिखाने वाली हूँ कि जब आप शैम्पू करके आओगे, शैम्पू तो आप करते हो, बट शैम्पू करने के बाद आप क्या करोगे आफ्टर शैम्पू योर हेयर केयर रूटीन. सो अभी जैसे कि आप शैम्पू करके आए हो, अच्छे से बाल को थोड़ा सा ड्राई कर दिए हो, टॉवल में सुखा दिए हो, अभी तो इतना ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे से ड्राई हो गया. अभी थोड़ा थोड़ा भी गीला आपका, ठंडा ठंडा आपका बाल में रहा होगा. तो उस टाइम में आपको सीरम अप्लाई करना है. ऑल राइट, सीरम अप्लाई करने के बाद आपको ऐसे ही नेचुरली आपको बाल को अभी छोड़ देना है, नेचुरली अच्छे से ड्राई होने में. मैं तो ड्रायर नहीं यूज करती हूँ. एंड मैं भी रिकमेंड करूंगी आप ऐसे ही आफ्टर हेयर केयर रूटीन करें. एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल 28 अक्टूबर सैटरडे को कुमार पूर्णिमा है ओडिशा में. एंड कल लूनर एक्लिप्स भी है, जिसके वजह से कल सुबह सब पूजा करेंगे. और जो शाम वाला चांद पूजा है कुमार पूर्णिमा को, हम सुबह सब कर लेंगे. एंड 4 बजे से सब क्या रिस्ट्रिक्टेड है आफ्टरनून की, आपको तो पता ही होगा. इसीलिए कुमार पूर्णिमा इस बार ऐसे हो रहा है. एंड आपको पता है जैसे कि मेरा तिथि में बर्थडे सेलिब्रेशन होता है कुमार पूर्णिमा में, मैं मेरा अक्टूबर 4 को नहीं करती हूँ सेलिब्रेशन, गजलक्ष्मी पूजा में मैं करती हूँ. इसीलिए कुमार पूर्णिमा में केक कट कर लेती हूँ. बट इस बार जैसे कि चंद्र ग्रहण है, तो हम आज सोच रहे हैं कि कर लेंगे ये वाला कटिंग. तो मैं हमेशा मेरी नानी घर में कुमार पूर्णिमा करती हूँ एंड ये सब करती हूँ. एंड जैसे कि पता है आपको, परसों से कार्तिक के महीने शुरू होने वाले हैं धर्म माह. तो इसके वजह से आज हमारा लास्ट दिन है नॉनवेज खाने को. जब कार्तिक के मंथ खत्म हो जाएगा तब से हम नॉनवेज खाना शुरू करेंगे. इसलिए आज थोड़ा जंग के पार्टी करते हैं. एंड आप बताना, आप क्या कार्तिक के महीने में नॉनवेज खाते हो या नहीं, आपके घर में क्या रूल है? एंड आपको अगर कुमार पूर्णिमा का ब्लॉग चाहिए कैसे हम इस चंद्र ग्रहण में सेलिब्रेट करेंगे, तो आपको कल मैं बताऊंगी ब्लॉग में. तो आज का ब्लॉग एंजॉय करते हैं. तो ये मेरी नानी है जो कि मुझे बिल्कुल बाल रखने नहीं दे रही है. आप तो मेरी नानी को जानते ही हो. अगर आपको उनका मेरे साथ वीडियो चाहिए तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. तो मुझे पता नहीं पर क्यों मैं जब नानी के साथ वीडियो करने बैठती हूँ मुझे हंसी आ जाती है. तो एनीवे गाइस, तो आज हम ये टाटा टी का अग्नि चाय पत्ती यूज़ करके चाय बनाने जा रहे हैं. तो ये मैं ट्राई करूँगी कैसा लगता है. तो सबसे पहले दूध ले लेते हैं. एंड दूध को अच्छे से बॉईल करने के बाद हम इधर वो अग्नि टाटा टी का चाय पत्ती डालेंगे, उसके ऊपर शक्कर डाल के अच्छे से बॉईल करेंगे. एंड ये लो चाय हो गई. एंड ये लक्की महारानी पिछवाड़े दिखाते हुए. देखो ब्लॉग में वेलकम करने के लिए कौन आ गए हैं, लक्की महारानी जी. तो लक्की का एक्चुअली बेबीज होने वाले हैं फिर से. वो कितने बार महीने में साल में देते हैं मुझे एक्चुअली खुद को पता नहीं है. बट इन्हें भी हमारे घर के जो पास जो हमारे आंटी और आंटी रहते हैं वो इस सारी बिल्लियों को रखते हैं. तो हम उनके ओनर नहीं है बट एज यूजल वो एक ही घर में है तो इसीलिए वो सबके बिल्ली. बट कुछ
साल में लस्सी मेरे से दूर भी हो सकती है, बिकॉज वो आंटी अगर वो सारी बिल्लियों को ले गए तो वो इधर तो नहीं रहेंगी शायद। बट एनी वे रखी जहाँ रहे खुश रहे एंड वो सब उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। एंड मेरे नानी तो बिल्लियों को एकदम घर में एंट्री करने भी नहीं देती है, एकदम झड़ी लेकर आ जाती है। मेरे नानी को बिल्ली पसंद नहीं है, मेरे मम्मी को कुत्तों बिल्लियों से एलर्जी है, एक नहीं है वो जो बिल्लियों और कुत्तों को प्यार करती हूँ, इसीलिए सब मुझे क्या समझ रही है मुझे पता नहीं। तो गाइस स्टे ट्यून्ड विथ आवर ब्लॉग्स, मैं आपको अपडेट करते रहूंगी। एंड कुमार पूर्णिमा के पहले कैसे धूमधाम से सेलिब्रेशन होता है एंड लास्ट डे नॉनवेज फीस्ट के साथ आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारे घर में क्रैब आया है, देखो बड़े बड़े क्रैब जो कि जिंदा है। तो उनको बनाने के लिए मेरे नानी इधर कुछ जिंजर गार्लिक ओनियन काट के रखे हैं एंड उसके साइड पर प्रेशर कुकर में मटन भी हो रहा है, ऊपर से ये क्रैब भी रेडी है हमारे साथ, क्रैब सी फूड। तो चलो आज नानी के साथ बनाते हैं क्रैब। तो इधर हम सबसे पहले कढ़ाई लेके ऑयल गरम कर रहे हैं एंड उसके ऊपर हम ये क्रैब डाल रहे हैं, उसे थोड़ा सा फ्राई करके साइड में रख देंगे। एंड ये देखो अच्छे से फ्राई करने के बाद, आपको तब तक फ्राई करना है जब तक उसका पानी, एक्स्ट्रा पानी जब निकलेगा वो ना मर जाए। तो ये साइड में रखने के बाद हम इधर फिर से एक दूसरा कढ़ाई लेकर ऑयल गरम कर रहे हैं एंड उसके ऊपर ये जो कटा हुआ आलू को हम डाल रहे हैं एंड उसे अच्छे से फ्राई करके उसे फिर इसके साथ साथ हम जिंजर गार्लिक ओनियन और चिल्ली का अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट भी बना देंगे। अभी वो सेम कढ़ाई में फिर से ऑयल लेके हम इधर डालेंगे दालचीनी, तेज पत्ता और उसके ऊपर प्याज डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक प्याज ब्राउन ना हो जाए। और अभी इसके ऊपर हम अभी हल्दी और नमक डाल देंगे एंड हल्दी नमक आपको ध्यान से डालना है क्योंकि पहले से हम क्रैब को फ्राई करते वक्त डाल दिया था थोड़ा सा हल्दी और नमक एंड आलू में भी थोड़ा सा डाल दिया था हल्दी। अभी ये सारे अच्छे से मिक्स करेंगे और जो मसाला का हमने पेस्ट बना के रखा था वो 2 चम्मच डाल लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा जीरा पाउडर धनिया पाउडर डाल के फिर से ऐसे मिक्स कर। अभी अच्छे से मसाला को कसने के बाद हम इसमें आलू डालेंगे। बहुत अच्छा खुशबू आ रही है नानी, अब आलू डालो। चलो हम क्रैब को डाल देते हैं जो हमने फ्राई करके रखा था और उसमें भी ऑलरेडी हल्दी और नमक था, इसलिए हम अभी और कोई हल्दी और नमक नहीं डालेंगे, सीधा ऐसे करके सीधा डायरेक्ट पानी डाल के इस तरीके से। तो जैसे कि मसाले में पहले से नमक नानी ने डाल दिया था इसीलिए वो अभी इधर, और जैसे कि पहले से भी आलू में पड़ा था एंड क्रैब में पड़ा है वो जब अभी नेक्स्ट हम डालेंगे इसीलिए वो अभी इधर इस स्टेज पर नमक या हल्दी का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम पानी डालेंगे, पानी तो अभी लंच टाइम हो गया है एंड बहुत बहुत ही स्वादिष्ट बना था। तो अभी मैं और मेरी नानी जा रहे हैं पूजा करने के लिए, इवनिंग प्रेयर करने के लिए। तो बाय द वे गुड इवनिंग गाइस, अभी शाम के 6 बजने वाला है। तो अभी पूजा करके मैं आपको मिलती हूँ। तो ये लो मैं ये मेहंदी लगाते हुए। तो लो जी इसके साथ हम ब्लॉग को एंड करते हैं एंड अगर आपको इसका रिजल्ट चाहिए एंड कल कुमार पूर्णिमा भी है तो हम कल सीधा मिलते हैं। कैसे हम चंद्रग्रहण में सुबह सुबह सारी पूजा करेंगे, शाम का चांद पूजा भी हम सुबह सुबह ही सब कंप्लीट करेंगे, 4 बजे के पहले सब कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब आफ्टरनून के 4 बजे के पहले। तो हम सुबह सुबह सब पूजा अच्छे से कर लेंगे। तो इसका वीडियो आपको कल मिलेगा, इसलिए आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं एंड अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए एंड अभी 9:30 बज गया है। सो यस गुड नाइट गाइस, हैव अ गुड डे।